है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका था एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर को हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर सकते हो आप लोग, दैट इज द मेथड विच इज यूज टू फाइंड या डिटरमाइन, लिख लो, यूज टू डिटरमाइन डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग इज स्ट्रेन एनर्जी, इज स्ट्रेन एनर्जी, क्लियर, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ओके, ठीक है। अब देखो इस मेथड में करना क्या है, होता क्या है बेसिकली, ठीक है, होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ वन कॉयल निकालते हैं, लेंथ ऑफ कॉयल, तो लेंथ ऑफ कॉयल क्या होगा, दैट इज पाई डी, लेंथ ऑफ वन कॉयल, एक कॉयल जो आपकी होती है, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, एक कॉयल इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। तो इसका जो डाया है, ठीक है, इसका जो डाया है यही आपका क्या होगा, पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और वी कैन राइट एज इट 2πr, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन कॉयल इज 2πr और पाई डी, ठीक है। नाउ टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, नाउ टोटल लेंथ ऑफ वायर, पूरे स्प्रिंग का टोटल लेंथ कितना होगा आपका, दैट इज लेंथ ऑफ वन कॉयल, लेंथ ऑफ वन कॉयल इनटू नंबर ऑफ कॉयल्स, ठीक है, एक कॉयल की लेंथ कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉयल कितने हैं, तो दैट इज पाई इनटू डी इनटू एन, और वी कैन राइट एज 2πr इनटू एन, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्प्रिंग का, दैट इज 2πr इनटू एन, क्लियर, ठीक है। अब बेसिकली जो आपका क्लोज या हेलिकल स्प्रिंग है उसमें क्या यूज हो रहा है, ठीक है, टॉर्जन यूज हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या यूज हो रहा है, टॉर्जन यूज हो रहा है, तो टॉर्जन की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी होगी उसको हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट एक लिख लो, दैट इज एज द एवरी सेक्शन, एज द एवरी सेक्शन ऑफ द वायर इज, ऑफ द वायर इज सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, हेंस हेंस द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज ड्यू टू टॉर्जन, इज ड्यू टू टॉर्जन, ठीक है, टॉर्जन की वजह से स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगी। तो टॉर्जन की वजह से स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग में क्या होगा, दैट इज यू इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर अपॉन फोर सी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, क्या होगा आपका फॉर्मूला, दैट इज U is equal to tau square upon 4c into volume, where tau is the maximum stress, maximum shear stress, c is the modulus of rigidity, ठीक है, c क्या है आपका modulus of rigidity and volume क्या है आपका
पूरे वॉल्यूम जो स्प्रिंग है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर वन मान लो, ठीक है, और यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 16 डब्ल्यू आर अपॉन पाई डी क्यू, सी आपकी वही रहेगी। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, दैट इज द पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू टू पाई आर इंटू एन, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का डेटा, जो वॉल्यूम की वैल्यू है और जो हमारी टाउ की वैल्यू, दैट इज शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, उसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ टाउ एंड वॉल्यूम इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, व्हाट वी गेट u इज इक्वल टू 16 डब्ल्यू आर अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 1 बाई फोर सी इंटू व्हाट इज वॉल्यूम, दैट इज पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू टू पाई आर इंटू एन, क्लियर। इसको सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 32 डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन सी डी पे पावर 4, और यहां से आ जाएगा आपका आर इंटू एन, और वी कैन राइट एज 32 डब्ल्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एन सी डी पे पावर 4, दैट इज द एक्सप्रेशन नंबर 2। इसको हम लोग एक्सप्रेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्लियर। टिल नाउ इट इज क्लियर। अब इसके बाद आपका, ठीक है, वर्क डन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग क्या होगा, दैट इज एवरेज लोड, ठीक है, पूरे स्प्रिंग पे एवरेज लोड कितना लग रहा है, इनटू डिफ्लेक्शन, इनटू डिफ्लेक्शन। तो हमारे पास जो लोड लग रहा है वो क्या था, W, और एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज द हाफ, हाफ ऑफ W इनटू डेल्टा। तो वर्क डन इज इक्वल टू W इनटू डेल्टा बाय 2, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग ये जानते हैं कि जितना भी वर्क डन होता है वो किस फॉर्म में होगा, एनर्जी के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो वर्क डन जो है और जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी है वो दोनों क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट W डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 32 W स्क्वायर R क्यूब n अपॉन C D पे पावर 4, और वी कैन राइट एज डेल्टा इज इक्वल टू 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन अपॉन सी डी पे पावर 4, और ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर इस डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग के लिए ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन 4 क्या हो गया, एक्सप्रेशन फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, 64 डब्ल्यू आर क्यू एन अपॉन सी डी पे पावर 4, वेयर डब्ल्यू इज द एक्सियल लोड, आर इज द मीन रेडियस, एन इज द नंबर ऑफ कॉइल, सी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, डी इज द डाया ऑफ द वायर, क्लियर, ठीक है। इसी में एक और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, दैट इज द स्टीफनेस, ठीक है, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग। अब टर्म ये आता है, स्टीफनेस क्या होता है, स्टीफनेस क्या होता है, पर यूनिट डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना लोड चाहिए, स्टीफनेस इज द
लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो यहां से आप लिख सकते हो स्टीफनेस इज द लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी इतना ही जानो स्टीफनेस क्या होता है, इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप लोग का स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टीफनेस क्या होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। पर्टिकुलर एक यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमको कितना लोड रिक्वायर है, दैट इज द स्टीफनेस। तो यहां से स्टीफनेस S इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W बाई डेल्टा। ठीक है, W बाई डेल्टा, और W बाई डेल्टा अगर आप पुट करोगे वैल्यू, दैट इज क्या आएगा, सी डी पे पावर 4 अपॉन 64 आर क्यूब एन। तो स्टीफनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी डी पे पावर 4 अपॉन 64 आर क्यूब इंटू एन। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर स्टीफनेस एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर डिफ्लेक्शन। क्लियर, ये जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किए हैं ये सारा किसके लिए है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ क्लोज्ड कॉइल। ठीक है, क्लोज्ड कॉइल के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे या डिस्कस करेंगे। क्लियर।